हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं रवि, मैकेनिका। मिस्टी की तरफ कैमरा घुमाना पड़ता है हर बार। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे, मिस्टू एंड मिस्टी। तो जस्ट अभी नहीं आया, 9 बजे में कितने बजे आया घर पे मिस्टी? 9:30 9:30 बजे घर पे आया जिम करके। आज हमने जिम किया करीब 3 घंटे। 6 बजे गया था मैं और 9:15 पे निकला वहाँ से। मैं घर पे आते 9:30 हो गया। तो अभी न जस्ट नाश्ता नहीं, सॉरी, डिनर किया मैंने। डिनर में सुनोगे तो कहोगे भाई खतरनाक डाइट कर रहा। डिनर में मेरा है ब्रोकली प्लस कैप्सिकम। ब्रोकली तो वो जो हरा हरा गोभी टाइप का होता है ना, फूल गोभी टाइप का, उसको कहते हैं। और कैप्सिकम हिंदी में बोलते हैं शिमला मिर्च को। तो मेरे को पता है, मैं सही बताऊँ, चिकन, बॉइल्ड चिकन और ब्राउन राइस से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये खाने में। उसको भाई मैं तो पूरा खा भी नहीं पाया। जो चिकन में लेके आया था 250 ग्राम नहीं खा पाया। मुझे लगता 250 ग्राम तो कम हो जाएगा यार, इतना सा था वो, पता पूरा नहीं खा पाया मैं 250 ग्राम। ना चावल खाया ना 250 ग्राम चिकन खाया। तो कल से मैं थोड़ा अपने अपने जो मेरे डाइट्रिशियन है, जो मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने थोड़ा पूछा है कि भाई थोड़ा कुछ बताओ उपाय, ताकि गले से नीचे उतरे वो, है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कुछ मतलब थोड़ा बहुत आप उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब फैट वाली चीज़ नहीं, देखते हैं क्या होता है अभी। और मेरा आज जो है, जो पेट में सिक्स पैक वाला वर्कआउट किया हमने और बैक का किया, तो सुबह पता चलेगा जो भी है। बहुत दर्द हो रहा है फिलहाल भी अभी भी। और मैंने जो फैट बर्नर खाया था उसकी वजह से मेरे को जिम में चक्कर आ रहे थे। सीरियसली बोल रहा हूँ, चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा अभी। आई थिंक पहला डे है मेरा, आज से मेरा डाइट स्टार्ट किया है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बॉडी को, है ना। तो चलते हैं अभी, ये व्लॉग को मैं अभी एंड नहीं करूँगा, अब सोने का टाइम हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं सोने। तो अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट। The next day, guys, हमारा वर्कआउट करने का टाइम हो गया। इसके सर में जुआ, जिस संगत में रहते वहाँ से जू लेके आते हैं। जा करो राजे, पागल हो, ये बंदर की प्रजाति है। इन्हें जो दिख जाता है जोर से। जिम कर रहे हैं अभी, चलते हैं हम लोग। क्या हो गया? तेरा नहीं चलूंगा आज। ओ भाई, तो अपना सूरज भाई भी आ चुका है, निकलते हैं आज। आज जल्दी जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको जल्दी आना है आज। हमें जाना है मंगल बाजार चट्टी बनियान खरीदने के लिए। कहाँ पे? मंगल बाजार। मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे को तो चाहिए भाई कपड़े जिम के लिए। देखता हूँ मैं भी चड्डी लाऊंगा, मेरे पास एक ही है कच्चा। तो अपन लोग का हो गया वर्कआउट और आज मंगलवार है, तो बाबा को लेने जाना है। और मंगल बाजार भी जाना था मुझे, पर अभी बाबा को लेने जाना है तो सूरज को मैं छोड़ दूंगा। अभी ये जाएगा मंगल बाजार और मैं बाबा को घर छोड़ के, अगर ये उस टाइम तक मंगल बाजार में रहा तो मैं भी चला दूंगा, है ना। हाँ, तो तुझे तो पैंट ही लेना ना, हाफ पैंट। हाफ पैंट या हाफ निक्कर लेगा तो। अरे भैया, अरे यार, ये जाम करवाएंगे भैया। क्यों बा, हेडलाइट जल रहा है मेरा? अच्छा, जल रहा है। कौन सी, इस वाले में आगे? कौन सा बे, ऑटो? इसको, ये ऐसा लड़का है जिस जो देख लेगा ना किसी को, कहीं भी देखा हो बोलेगा अरे देखा है, जानता हूँ। ऐसा वाले देखते थे हम भी, ये कितने को यार। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड माय ब्रो। लग रहा ना, मैं तो पैदल चल के जाऊंगा, थोड़ा सही रहेगा। यहीं उतार दो फिर, इतना भी नहीं चलना।
प्लाजा के पास तो छोड़। हाँ हाँ वही छोड़ूंगा। उफ। आपको तो यहीं उतरना है ना सर। अरे वो देख, वो दिख रहा है मेरे को मंगल बाजार। अबे यार कितना आलसी हो भाई, तू जिम वाला बंदा भाई। ओके तू ले लियो, लेकिन फिर भी फोन कर दियो, निकलने से पहले के फोन कर दियो, एक बार उठा लियो। क्या उठा लियो, फोन डिक्की में है मेरा। तो अभी ये जा रहा है मंगल बाजार और मैं जाऊंगा यहाँ से बाबा को पिक करने। चलो भाई चलो। ओहो पूछना है जीत का पता। गाइस पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, पर पेट्रोल मैं कल भरवाऊंगा। रात को कौन ही भरवाएगा, कल सुबह या दोपहर में जाएंगे पेट्रोल भरवा लेंगे, है ना। वो देखो आ ये स्कूटी और बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। तो अभी बाबा को पिक कर लिया। हाँ अबे लोग जाए चलो ना। अभी तो बाबा को बता रहा हूँ मैं रूम के बारे में जो हम शिफ्ट करने वाले हैं कि कहाँ पे क्या है। गाइस अभी तो मेरी जो डाइट है वो तो अभी बहुत लो डाइट है। वो फाइनली मैं आ गया घर पे। आटो जरा स्वागत करते हैं। चल नहीं उधर नहीं, और बाप इतना ठंडा हो रहा है इसका। चलो अंदर चलो 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 अंदर चलो। एसी चल रहा 25 पे। कुछ नहीं होता, पतला हाथ है उसका। जब सूरज को फोन करता हूँ मैं, पूछता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। गाइस इतना खतरनाक एक्सरसाइज किया, हेलमेट भी नहीं उठा सच्ची में। अब चल रहे ब्रोकली वगैरह ले लेते अपना आयत का डाइट, और कैप्सिकम तो है। मैं सोच रहा था आप बाहर से आ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि वो ले लेता हूँ मिल्क टोंड वाला, फिर सुबह से भूल ही गया। A few moments later. So अभी guys हम लोग जा रहे थे रात को मार्केट। ये काटे भी जा रहे हैं। चलो बैठते हैं। जो काटे खोल देना, ये खोल दिया, इसको बिठा देता रुको। Hey guys तुम्हारा भाई आ गया है मंगल बाजार, और सूरज को पहले ही भेज दिया था मैंने, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, है ना। और ये इतना लैग क्यों हो रहा है भाई, गरम माहौल गरम है भाई। अभी नहीं फोन ठंडा है, अभी एसी से आया है फोन। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना, मुझे लेना है सिर्फ ब्रोकली और हाफ कुछ पैंट्स लेने हैं ताकि जिम में वगैरह हम जा सके। ओए जिम वाले पैंट लियो भाई, ऐसे मत लियो। गाइस बड़ा भीड़ रहता है यहाँ पे, लेकिन क्या फोन लेके चला जाएगा कोई, कैसी बात कर दी यार। फोन लेके करेगा क्या वो जाके, एक और फोन आ जाएगा वो करेगा क्या फोन, अगर फोन ले जाएगा खोल तो पाएगा नहीं इसको। यहाँ पे सब्जी की वैरायटी बहुत सारी है भाई, पूरे सब्जी 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 देख। अबे इसकी तरह शक्ल बनी है, पर इसकी तरह कहीं पे ही भग रहा भाई, इसकी तरह शक्ल कैसे बना दूंगा भाई। तो अभी मिस्टू को देखो पसीना पसीना हो रहा है, ये लोग अपना पता नहीं क्या ले रहे, जिम का कच्चे ले रहे, जिम का हाफ पैंट निक्कर बोलते हैं इसको। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और आपने पिछले क्लिप में देख लिया होगा मिस्टर कैसे जिम करते हैं, और ट्रेनर वगैरह जो भी जिम लिख रहा है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
the doubt creeping. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.